हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी गुजिया की रेसिपी। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं गुजिया। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 1 कप। अब मैं डाल रही हूँ घी। मैंने 1 टीस्पून घी ऐड किया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 इंच के बराबर। अब इसे हाथों से इस तरह ड्राई मिक्स करना है। पहले अच्छी तरह ड्राई मिक्स करने के बाद वाटर मिक्स करना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करना है और परफेक्ट डो प्रिपेयर करना है। ये देखिए गाइस, मैंने गुजिया के लिए डो प्रिपेयर कर लिया है। अब इसे मैं ढक कर रखूँगी। क्लीन क्लॉथ लेकर इस तरह क्लॉथ को पहले भिगो के इस तरह ढक कर रखना है 10 मिनट्स के लिए, ताकि डो जो है वो सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो। इसीलिए आप यहाँ गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाई है। अब मैं डाल रही हूँ घी। मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। मैं डाल रही हूँ सूजी। मैंने 1/3 कप सूजी लिया है। अब मैं डाल रही हूँ 1/3 कप शुगर। अब इसे फ्राई करना है। शुगर और सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए पहले मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट हल्का सा फ्राई होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ फाइन चॉप आलमंड्स एंड फाइन चॉप काजू एंड मैंने ऐड किया है किशमिश। अब मैं डाल रही हूँ इलायची। इलायची इस तरह तोड़ के डाल देना है, इससे फ्लेवर अच्छी आएगी। अब मैं स्टेज में डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ कोकोनट। ये फ्रेश कोकोनट है, आप चाहो तो मार्केट से डेसिकेटेड कोकोनट भी लाकर डाल सकते हो गाइस। अब मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर 2 टीस्पून। मिल्क पाउडर डालने के बाद स्पैचुला या चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसे और 2 मिनट तक फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैंने टोटल 5 मिनट तक फ्राई किया है, क्योंकि जो सूजी मैंने ऐड किया है इसे ब्राउन नहीं करना है, इस तरह वाइट ही रहना चाहिए, बस कच्ची ना रह जाए, इसी तरह फ्राई करना है। ये देखिए गाइस, गुजिया के लिए स्टफिंग बनके रेडी है। ये देखिए, अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब गैस पर अगेन मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। अब मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल मैंने 2 बड़ी चम्मच ऐड किया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो चलिए गाइस, गुजिया के लिए जो डो मैंने प्रिपेयर किया है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गया है। अब डो कट लगाना है। इस तरह नाइफ की मदद से छोटी छोटी पीसेस में डो को कट लगाना है। ये देखिए गाइस, जितनी गुजिया बनानी है उसी हिसाब से मैंने डो पीसेस में कट लगाई है। इससे बहुत ही आसान होगा गुजिया प्रिपेयर करने में। मैंने 1 पीस डो लिया है। अब मैं इसे बेल रही हूँ गुजिया के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने ज़्यादा पतला भी नहीं बेली है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेली है, आप देख सकते हो। बहुत ही आसानी से गुजिया प्रिपेयर करना है। ये देखिए, आप हाथों से डिज़ाइन दे सकते हो। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप इस तरह गुजिया में डिज़ाइन दे सकते हो गाइस। ये देखिए, कितनी सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाई है। आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकते हो गाइस।
अब और एक डो लिया है मैंने, और इसे मैं गुजिया की जो सेपर है इससे मैं प्रिपेयर करूँगी। अगर आप हाथों से डिज़ाइन नहीं देना चाहते हो तो आप इस तरह गुजिया की जो सेपर है इसे लेकर इस तरह गुजिया में आप डिज़ाइन दे सकते हो। इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा है इस तरह प्रेस करने के बाद मैदा को निकाल देना है। ये देखिए गाइस, बहुत ही आसानी से गुजिया बनके तैयार है। इसी तरह मैंने सारी गुजिया प्रिपेयर कर लिया है। मैंने इसे हाथों से डिज़ाइन दिया है गाइस। जो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखी थी, ये देखिए ऑयल परफेक्ट गर्म हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम में गुजिया फ्राई करना है गाइस। आप इसी तरह एक साथ सारी गुजिया फ्राई कर सकते हो। 6 से 7 गुजिया इसी तरह आप ऑयल में एक साथ फ्राई कर सकते हो। ये देखिए गाइस, गुजिया में हल्का सा कलर आ गया है। इस तरह दोनों साइड से फ्राई करना है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें। ये देखिए गाइस, मैंने गुजिया फ्राई कर लिया है। अब इसे ऑयल से निकल कर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं जो बची हुई गुजिया है इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। गुजिया ऑयल में डुबोकर अच्छी तरह फ्राई करना है दोनों साइड से। ये देखिए गाइस, कितनी बढ़िया कलर आई है गुजिया में। फ्राई हो गया है गुजिया। अब इसे ऑयल से निकलकर बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं। इसी तरह मैंने सारी गुजिया फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ इस तरह प्लेट में सर्व किया है। वेरी इजी एंड डिलीशियस गुजिया बनके तैयार है गाइस। और ये बहुत क्रिस्पी भी है। ये देखिए गाइस, कितनी क्रिस्पी गुजिया बनी है। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।